नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि जो पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट जो होगा अब वो एसएससी सीएचएसएल मतलब 10+2 के थ्रू नहीं होगा, अब वो सीजीएल के माध्यम से होगा। इसी के रिगार्डिंग कल एक लेटर इशू हुआ डाक विभाग द्वारा। देखते हैं इस लेटर में क्या है, किसको ये भेजा गया है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15/7/2022 को एसएससी ने इंडिया पोस्ट को एक लेटर भेजा था जिसमें डाक विभाग को पीएएसए और डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह जो भी पोस्ट है उसकी वैकेंसी रिपोर्ट करने को कहा गया था। तो इसी के रेफरेंस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने यह सर्कुलर इशू किया है। आप देख सकते हैं 27 जुलाई को ये इशू हुआ और भेजा किसको गया है, ये अंडर सेक्रेटरी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली। उसके बाद आप सेकंड पैरा पे ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि डाक विभाग ने पीएएसए के रिक्रूटमेंट रूल को 17 जून 2022 को रिवाइज़ किया है। जो पहले सीएचएसएल के थ्रू इनको रिक्रूट किया जाता था, अब इनको सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के थ्रू लिया जाए, ऐसा डाक विभाग बोल रहा है एसएससी से। और लास्ट में आप देखिए 2022 ऑनवर्ड्स मतलब क्या है, अब तक यानी 2021 तक जो रिक्रूट हुए वो तो सीएचएसएल से ही हुए, बट 2022 से जो भी आएंगे वो सीजीएल से आएंगे। तो ये डाक विभाग ने एसएससी को लिखा है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है थोड़ा टफ कर दिया गया है, बाकी सब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें।